Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Box. I'm Sagarika Singh and आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12th पेंटिंग का यूनिट 2, जिसमें कि अगेन दो चैप्टर्स हैं आपके मुगल स्कूल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इससे पहले हमने वैसे कवर किया था यूनिट नंबर 1, जिसमें राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल को हमने डिस्कस किया था डिटेल्ड वे में, जिससे कि आपको आपके पेपर के लिए ईजी पड़ जाए। ठीक है, कंबाइन था वो वीडियो। इसमें हम करेंगे मुगल स्कूल के बारे में, जिसमें कि फर्स्टली हम इसमें कवर करेंगे टॉपिक्स कि ओरिजिनेट ये पेंटिंग्स, छोटा सा है ओरिजिन उसका, बहुत छोटा सा, कि कैसे वो पेंटिंग्स जो थी ये ओरिजिनेट हुई थी। फिर हम देखेंगे कि मिनिएचर पेंटिंग्स अलग अलग रूलर्स के टाइम पे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, इनके टाइम पे, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है इसी से हमें पता चलेगा कि मुगल स्कूल मिनिएचर पेंटिंग कैसे ओरिजिन हुआ और फिर कैसे इसका डिक्लाइन हो गया। फिर हम नोटिस करेंगे कि इसमें क्या मेन फीचर्स हैं मुगल मिनिएचर के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसकी पेंटिंग इसके पे आएंगे, जिसमें कि कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, कबीर एंड रायदास, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्खू, ये पेंटिंग्स जो हैं हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो हम जो ये देख रहे हैं मुगल स्कूल, तो ये बेसिकली आया कहाँ से था? ये आया था मिक्सचर ऑफ राजस्थानी और पर्शियन स्टाइल से। अब ये पर्शियन स्टाइल क्या है, पर्शियन या फिर ईरानियन स्टाइल? पर्शिया आज का जो हमारा ईरान है, उसको, मॉडर्न ईरान को हम पर्शियन स्टाइल से जानते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ से आया है, ये जो मुगल स्टाइल है ये वहाँ से आया है, इसको हम लोग बोलते हैं मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन स्टाइल है, इसका ओरिएंट ऑर्नामेंटेशन करना, इसकी बॉर्डर डेकोरेशन करना, यही एक बेसिकली पर्शियन स्टाइल भी था उस टाइम पे। और तो और इसके साथ साथ जो ये हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ मुगल्स, ये जो मुगल का ओरिजिन है ये कैसे हुआ, ये हुआ था तुर्को मंगोलियन से। ये जो मुगल वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया था मंगोल से। तुर्को मंगोलियन जो था ये बेसिकली कल्चर था जो कि सेंट्रल एशिया में इमर्ज हुआ था बिटवीन द मंगोल, जब मंगोल का और तुर्क रूलर्स का जो 20th सेंचुरी में रूल था, तब ये जो वर्ड है मुगल, तभी वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। और तो और तुर्को मंगोलियन का कल्चर तभी आया था। और जो ये मुगल्स हैं ये इन्हीं के डिसेंडेंट हैं मंगोल रूलर्स के। ओके, फिर हम देखते हैं तैमूर की फैमिली। अब ये तैमूर की फैमिली, ये तैमूर करीना कपूर वाला नहीं है, ये तैमूर की फैमिली जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना मुगल्स, वहाँ से आया है। तो सबसे पहले कौन आता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। इससे पहले भी मैंने जब एक बारी वीडियो पढ़ाई थी तब भी बताया था भज शाह, जिसका शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का इसी ऑर्डर में। ट्राई करो अगर आपको इसकी ईयर्स याद हो जाए, नहीं याद होते तो भी कोई बात नहीं है, बट आपको नेम ज़रूर इसी ऑर्डर में याद रखने होंगे, बिकॉज इसके आगे जो हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, इसी वे में याद करना। ओके, सो सबसे पहले हम आते हैं बाबर पे। तो बाबर में क्या है कि सबसे पहली चीज़, तो इनका जब मुगल रूल हमारे इंडिया में जब आया था, ये 1526 AD में इनका रूल आया था। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा ग्रेट इंटरेस्ट था आर्ट में, तभी ऑफकोर्स ये बात है इनसे ही शुरुआत हुई मुगल मिनीचर पेंटिंग की। ठीक है, और तो और क्या हुआ, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में एक ग्रेट पर्शियन आर्टिस्ट थे बिही साग, उनका नाम भी मेंशन किया है। ठीक है, सो विद दिस हमारा बाबर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं बाबर के बेटे पे, दैट इज़ हुमायूं पे। तो बाबर के बेटे थे हुमायूं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने दो आर्टिस्ट, क्रिएट पर्शियन आर्टिस्ट को ये लेके आए थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस सहमद। ये दो ग्रेट पर्शियन आर्टिस्ट थे, क्योंकि हम लोग ऑफकोर्स ये बात है पेंटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें आर्टिस्ट का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो दो ग्रेट पर्शियन आर्टिस्ट मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस सहमद को ये अपने रॉयल कोर्ट में लेके आए थे, और इन्होंने कोर्ट स्टूडियो बनवाया था अंडर इन दो पर्शियन आर्टिस्ट के अंदर। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1555 AD के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं हुमायूं के बेटे अकबर पे, जिनकी तो बहुत
इनको मतलब शौक था, आप देख सकते हो इतना सारा इसमें इम्पोर्टेंट है, मतलब रेड से अगेन ग्रीन से ब्लू से. सो लेट्स स्टार्ट. सो इसमें हम देख रहे हैं सक्सेसर ऑफ हुमायूं कौन थे, अकबर. हुमायूं के कौन थे, अकबर. ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस्टेब्लिश कोर्ट किया था. जो हुमायूं ने अभी हमने देखा था ना कि दो आर्टिस्ट के रहते हुए हुमायूं ने कोर्ट इस्टेब्लिश किया था, तो उसी को इन्होंने और आगे बढ़वाया था. ठीक है, और इसमें हम देख सकते हैं कि जो अकबर थे, इन्होंने 200 से भी ज़्यादा पेंटर्स जो कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी से थे, इन्होंने वर्क किया था, ये लाए थे अपने उस कोर्ट के अंदर, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सहमत के अंडर काम किया था 200 से भी ज़्यादा पेंटर्स ने. ठीक है, और जो और तो और जो फर्स्ट प्रोजेक्ट्स थे जो कि अकबर ने लिए थे उस टाइम पे, वो कौन कौन से थे, हमजा नामा, तारीख ए कदान ए तैमूरिया, और तो और बाबर नामा. ठीक है, और बाबर नामा जो था ना उसको कंप्लीट किया था, जो कि बाबर के टाइम पे था, उसको कंप्लीट कर दिया था. और तो और इन्होंने इंडियन बहुत सारी इंडियन एपिक्स को पर्शियन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करवाया था, जिसमें से कौन कौन सी हैं, हरिवंशम, रामायणा, महाभारता, पंचतंत्रा. इसके बाद अकबर ने 2400 इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स भी छोड़ी थी, और इनके टाइम के जो बेस्ट पेंटर्स थे वो थे गोवर्धन, मिस्किन, रामदास एंड जगन्नाथ. मिस्किन की आप एक पेंटिंग भी आगे पढ़ने वाले हो. नेक्स्ट आते हैं हम जहांगीर पे. तो जहांगीर ऑफकोर्स है अकबर के सक्सेसर, अकबर के बेटे जहांगीर, जिनको भी आर्ट और नेचर का बहुत ज़्यादा ही शौक था. उसके बाद इनके टाइम पे ही इसको गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है. वन मार्कर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लो कि किस रूलर के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है, तो वो है जहांगीर के पीरियड को. ठीक है, इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पे पहुंच गया था जो पेंटिंग्स होती थी वो. और तो और इनके टाइम पे फ्लोरा और फना, मतलब कि ऑफकोर्स ये बात है, एनिमल्स, प्लांट्स, नेचर का बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा पेंटिंग्स के अंदर दिखाई जाती थी. आर्टिस्ट जो दिखाते थे, अगर उनको फ्रीडम रही होगी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फ्लोरा एंड फना को दिखाया है पेंटिंग्स के अंदर. और तो ऑन पोर्ट्रेट पेंटिंग्स इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर की गई थी. इनके टाइम पे दो फेमस पेंटर्स हैं, दैट इज़ उस्ताद मंसूर एंड अबुल हसन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहांगीर के. नेक्स्ट आते हैं इनके बेटे शाहजहां, जिनको कि आर्किटेक्चर का बहुत शौक था. शाहजहां ऑफकोर्स ये बात है, आज का ताजमहल जो है वो उनके मतलब उन्होंने ही बनवाया था. ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा ही शौक है था आर्किटेक्चर का. इन्होंने वर्ल्ड्स के रेनाउंड मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्ट्स बनवाए हैं, जो कि कौन कौन से हैं, ताजमहल इन आगरा, इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों, जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली, शालीमार गार्डन ऑफ लाहौर एंड लाहौर फोर्ट को रिनोवेट करवाया था, याद रखना. उसके बाद इनको कोर्ट स्टूडियोज़ में बहुत ज़्यादा ही एक्सेलेंट और रिफाइंड मिनिएचर पेंटिंग्स भी बनवाई गई थी इनके टाइम पीरियड के टाइम पे. और इनके जो टाइम पीरियड में थे उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटर कौन से थे, उस्ताद फ़कीर उल्लाह खान, इनका भी जिक्र आगे किया जाएगा. फिर हम आते हैं लास्ट, जिनके टाइम पे डिक्लाइन हो गया था. अब डिक्लाइन का भी पूछ सकते हैं आपसे, अगेन इम्पॉर्टेंट है ये कि डिक्लाइन किसके टाइम पे हुआ था, तो वो था औरंगज़ेब के टाइम पे डिक्लाइन हो गई थी पेंटिंग्स, जिसमें कि सक्सेसर किसके थे ये, और ऑफकोर्स ये बात है शाहजहां के. पता उनको इतना शौक था पेंटिंग का, उनको इतना आर्किटेक्चर का शौक था, उन्होंने वर्ल्ड के मोस्ट रिनाउंड मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवाया, और इनको बिल्कुल नहीं था. इनके टाइम पे पेंटिंग जो थी बिल्कुल स्टॉप हो गई. क्यों? क्योंकि सुपरमेसी हुई थी औरंगज़ेब की. ठीक है, इनको एज अ फेनेटिक मुस्लिम, बहुत ही कट्टर मुस्लिम्स कहा जाता था, जो कि आर्ट को अपने रॉयल कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते थे, नहीं देते थे. और तो और इनके टाइम पे जो मुगल मिनिएचर पेंटिंग थी वो एंड हो गई थी कब, 18th century AD में आकर के इनके टाइम पीरियड पे जो पेंटिंग थी मुगल मिनिएचर वो एंड हो गई थी. नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेन फीचर्स. तो मेन फीचर्स में हमने पहले ही मैंने आपको बताया था कि पर्शियन और राजस्थानी स्टाइल से आई थी. ठीक है, पेंटिंग जो थी उसमें इंडियन स्टाइल था, बट जो ऑर्नामेंटेशन थी, बॉर्डर डेकोरेशन था, वो सब किसका था, वो सब पर्शियन स्टाइल से लाया गया था. ये बता दिया मैंने आपको. पर्शियन कैलीग्राफी जो है हम इनकी पेंटिंग्स में बहुत ही ज़्यादा विविडली देख सकते हैं.
पर्शियन, देखो ये तीनों पॉइंट्स जो ये पर्शियन पर्शियन पर्शियन, याद रखना आपके तीन पॉइंट्स बन गए। फिर पॉपुलर देख सकते हैं हम पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, अभी हमने पढ़ा था किसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी पोर्ट्रेट पेंटिंग, इंडिविजुअल की ले लो या ग्रुप की ले लो। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, क्राउडेड सीन्स, बहुत सारी पिक्चर्स को दिखाना, जो पेंटिंग मैंने लगा भी रखी है ये भी एक मुगल का ही एग्जांपल है, ऑफ कोर्स ये बात है। सो इसमें आप देख सकते हो क्राउडेड सीन्स दिखाना, बहुत सारी फिगर्स को, बहुत सारी फॉर्म्स को दिखाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फीचर रहा है। इसका करेक्टरिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन और सिल्वर कलर को दिखाना, रिच कलर्स, अगेन गोल्डन एंड सिल्वर कलर्स को दिखाने का इंपॉर्टेंट फीचर है। मेल डोमिनेंट पेंटिंग्स थी मुगल के टाइम पे, अगर हम नॉर्मली भी देखते हैं जनरली, अगर हमने जितना पढ़ा है आज तक, तो उसमें हमने ये बात नोटिस किया कि पर्दा सिस्टम जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और फीमेल की फिगर आप अगर इस पेंटिंग में भी नोटिस करोगे, एक फीमेल की फिगर नहीं है इसमें, ठीक है, तो बहुत ही लेस बनाई जाती थी फीमेल के फिगर्स भी, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं तो हम देखते हैं कि एनिमल्स की, बर्ड्स को दिखाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स के टाइम पे, रियलिस्टिक तरीके से दिखाना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अगेन वही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट भी वही है कि रियलिस्टिक तरीके से दिखाना, अलग अलग पर्सपेक्शन से दिखाना, आप इस पेंटिंग को अपने दिमाग में रख सकते हैं। और तो और जितनी भी पेंटिंग्स बनती थी मुगल मिनिएचर की, वो सेक्युलर होती थी नेचर में, जो कि हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम को दर्शाती थी एकजुट। अगर हम कैसे पता चलेगा, हम किसे मान लें भाई, आपकी आगे आएंगी पेंटिंग्स में कबीर एंड रायदास, जिसमें कि ये इंपॉर्टेंट फीचर है एक, ठीक है। हमें कौन कौन से पेंटिंग्स पढ़नी है, चार पेंटिंग्स पढ़नी है, उसके तीन आर्ट, तीन मेन टॉपिक्स हैं, ठीक। और तो और इसके साथ और क्या है, ये चीज़ें भी इसमें, एक अभी आपको यहाँ पर दिखी होगी फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट सेकेंड नंबर पर, ठीक है, इसका खाली इसका फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट खाली यही एक ऐसी पेंटिंग है जिसका कलेक्शन सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर राजस्थान में है, वरना जितनी भी चारों तीनों पेंटिंग्स है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, कबीर एंड रायदास, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिख, इनका जो कलेक्शन है वो है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, बाकी मीडियम टेक्निक स्कूल चारों के चारों पेंटिंग्स में सेम है, ठीक है। इसलिए मैंने स्पेशली अलग कलर से आपको मेंशन करके बताया है। फर्स्ट आते हैं हम लोग फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट पे। ओके, सो इस पेंटिंग को एक्सप्लेन करने से पहले, जब आप इतना बड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप कुछ सात पॉइंट बताओगे कि फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट टाइटल, आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर, टाइम पीरियड 1618 से 1619 एडी के टाइम पीरियड, स्कूल सब स्कूल जहांगीर स्कूल, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा स्कूल, मुगल स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग। फिर डिस्क्रिप्शन लिखोगे जो मैं आपको भी बताऊंगी, उसके बाद लास्ट में लिखोगे कलेक्शन कहाँ का है, ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का कलेक्शन है, ठीक है। ओके, सो इस पेंटिंग में हम लोग देख सकते हैं ये जो पेंटिंग है, जैसे कि हमने अभी नोटिस किया कि जहांगीर के टाइम पे बनाई गई थी, तो जहांगीर जो थे वो एक कीन फाल्कनर थे, फाल्कनर मतलब जिनको ये जो बाज है ये बहुत पसंद थे, ठीक है। उनके ट्रेजर्स में, स्पेसिमेंस में हम ये देख सकते थे कि फाल्कन रखते थे, वो अलग अलग जगह से लेके आते थे। तो एक बार शाह अब्बास, जो कि पर्शिया के एक एम्परर थे, उन्होंने इनको, लाइक जहांगीर को, एक फाल्कन मतलब ये बाज गिफ्ट किया, ठीक है। अब इस पेंटिंग को बनाने का क्या मकसद है, इस पेंटिंग को क्यों बनाया गया, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस पेंटिंग को, तो हुआ क्या था कि ये जो फाल्कन है जो बात देख रहे हो, इसकी मृत्यु कर दी गई थी। भाई कैसे मारा था ये, एक बिल्ली ने आकर के झपट्टा मार दिया और ये फाल्कन की डेथ हो गई, तो जहांगीर को लगा बहुत बुरा। जहांगीर के टाइम पे हमने देखा था कि, सॉरी गाइस, उस्ताद मंसूर जो थे वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटर थे जहांगीर के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को कि ये जो ये फाल्कन था इसकी पेंटिंग बनाई जाए और इसको प्रिजर्व करके रखा जाए जहांगीर नामा के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये पेंटिंग बनाई गई और आपको पढ़नी पड़ रही है। तो इस पेंटिंग में क्या देख रहे हैं हम लोग, ग्रेट रियलिस्टिक, बहुत ही रियल तरीके से बनाए गए हर एक डिटेलिंग के साथ साथ। ओके, और देख सकते हैं कि वाइट अगेंस्ट येलो बैकग्राउंड, आगे ये जो फाल्कन की पेंटिंग ये वाइट है, पीछे येलो कलर का बैकग्राउंड है, ब्राउन से डिटेल्ड पेंटिंग, इसके जो फोल्डेड विंग्स जो मैंने आपको अभी जूम करके दिखाए, ये बिल्कुल ऐसे जूम में
तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल हर एक चीज़ डिटेल तरीके से फोल्डेड विंग्स को दिखाया गया है। फिर हम देख सकते हैं, ऑफकोर्स ये बात है, जब फैलकॉन है, बाज है, तो उसकी आइज़ को बहुत ही ऐसे शार्प दिखाना, राउंड आइज, ऐसे शार्प बीक्स को दिखाना, जो कि वाइट, ब्राउन और येलो ऑर्क कलर से यूज़ करके बनाई गई है। फिर हम देखेंगे कि देवनागरी कैरेक्टर्स, आप बताओ ये मुग़ल की पेंटिंग है, इसमें देवनागरी कैरेक्टर क्यों लिखे गए? इसीलिए बोला जाता है कि जो मुग़ल मिनीचर पेंटिंग, इसकी जो पेंटिंग बनाई गई है वो सेक्युलर है नेचर में, ठीक है। तो जहांगीर पट स्वाहा, ऊपर टॉप पे यहाँ जहांगीर पट स्वाहा लिखा हुआ है, बीच में जो है वहाँ पे लिखा हुआ है बहारी, बहरी, बहरी लिखा हुआ है, और लास्ट में देख सकते हैं उत्तम लिखा हुआ है। ये देखो, बहरी और उत्तम लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। ओके, सो ये जब मैंने आपको इससे पहले वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें छोटी सी क्लिप भी मेंशन की थी, मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। आगे बढ़ो मेरे योद्धाओं, ये तूफान तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह पानी में डूब न जाए। सो अभी आपने वो छोटी सी क्लिप देखी जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे कृष्ण जी ने अपने हाथ पे ऐसे माउंट गोवर्धन को उठाया था। तो कहाँ से लिया गया है? अगेन भगवत पुराण, सेक्युलर नेचर, याद रखना, ठीक है। इससे पहले जब आप ये लिखोगे डिस्क्रिप्शन, इससे पहले आप अगेन 7 पॉइंट्स मेंशन करोगे जो मैंने आपको इससे पहले वाली पेंटिंग्स फैलकॉन में बताया था, सेम चीज़। इसमें हम देख सकते हैं जो कृष्ण जी हैं उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है अपने लेफ्ट हैंड पे, और वो बचा रहे हैं गोकुल के लोगों को एंगर ऑफ गॉड इंद्र के जो गुस्से, उन्होंने बारिश इतनी वर्षा कर दी थी उसके गुस्से से। वर्टिकल मतलब ऐसी सीधी पेंटिंग है ये, जिसमें कि एक ह्यूज माउंटेन को उठा रखा है कृष्ण जी ने, जिसपे कि फ्लोरा एंड फोना, मतलब कि डियर वगैरह भी देख रहे होगे आप, ये डियर हैं, इस पे डियर हैं, और फ्लोरा एंड फोना मतलब मंगीज वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पहाड़ के ऊपर हैं रॉकी माउंटेन पे। फिर हम देख सकते हैं उस माउंटेन के नीचे क्या है, तो ऑल द फोक्स ऑफ ब्रिज, ब्रिज के वासी, पढ़ा था ना हमने ब्रिजवासी, सो सारे ब्रिज के वासी नीचे हैं, गैदर्ड हैं अपनी कैटल्स, भेड़ बकरियों के साथ साथ। और ब्लू जो है इस पूरे पेंटिंग का एक डोमिनेंट कलर है, सबसे ज़्यादा ब्लू ही चमक रहा है, कृष्ण जी भी ब्लू कलर से ही हैं, तो डोमिनेंट कलर है ब्लू इस पेंटिंग का। अब लॉर्ड कृष्ण की हम बात कर रहे हैं इस पेंटिंग में, ऑफकोर्स है, तो उनका दिखाना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्ण को हम क्या देख सकते हैं कि बहुत ही लार्ज साइज में सबसे ज़्यादा बड़े वहीं दिखाए गए हैं सारे लोगों में से। उसके बाद पीत आम्बर, मतलब कि पीले वस्त्रों में दिखाया गया है कृष्ण जी को, और तो और वाइट गार्लैंड, मतलब ये जो माला देख रहे हो फूलों की, ये भी उनके गले में दिख सकता है आपको। ट्राई बेंड पोस्चर में एक हाथ से उन्होंने ऐसे ऊपर उठा रखा है पर्वत को, एक हाथ उनकी कमर पर है, और बाकी उन्होंने जिस तरीके से वो खड़े हैं उसको ट्राई बेंड पोस्चर बोला गया है। और तो और इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत वो बहुत ही एफर्टलेसली, भगवान है भाई तो आराम से बिल्कुल मज़े में उन्होंने उठा रखा है पूरे माउंटेन को। नेक्स्ट पेंटिंग, कबीर एंड रायदास, ये वाली पेंटिंग भी आपका दर्शाता है कि भाई सेक्युलर नेचर में दिखाई गई है मुगल के टाइम्स पे। अगेन आप इसमें 7 पॉइंट्स पहले मेंशन करोगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। तो हम क्या देख सकते हैं, इसमें दो मेन सेंट्स हैं, कबीर और रायदास, दो मेन सेंट्स हैं। अगेन ये हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, लास्ट वाली वर्टिकल थी, ये हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है जिसमें कि सेंट कबीर जो हैं वो अपने हट के पास बैठे हुए हैं और कुछ वीव कर रहे हैं, लूम, हैंड लूम इस अपने उससे वीव कर रहे हैं। उनके पास आके बैठते हैं सेंट रायदास आते हैं, रायदास जिनके पास आते हैं बैठते हैं, और दोनों ही दोनों बिल्कुल स्पिरिचुअल टॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसमें देख सकते हैं कि जो ये पेंटिंग है इसमें बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस हमें दिखाई देता है इस पेंटिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति से वो डीप डिस्कशन कर रहे हैं अपने कंपेनियन के साथ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शांति से सब काम चल रहा है। और तो और वो क्या कह रहे हैं, वो डिस्कशन भी कर रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं, तो वर्क एंड वर्शिप जो है वो साथ साथ चल रहा है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हट दिखाया गया है, ठीक है, लैंडस्केप पेंटिंग है, तो ब्यूटीफुल इंडियन के विलेज को दर्शाने की कोशिश की गई है। कलर जो यूज़ किए गए हैं वो शेड ऑफ ब्राउन कलर से यूज़ किए गए हैं, बॉर्डर्स बनाया गया है ब्लू कलर से, ठीक है, जो बॉर्डर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का बॉर्डर है। फिर हम देखेंगे कि
अलग अलग कलर्स दिखाए गए हैं, वाइट कलर थोड़ा सा, कहीं पे ब्राउन, कहीं पे ब्लू, तो केयरफुली अप्लाई किए गए हैं कलर्स हट में भी। और तो और इसमें क्या है, सेक्युलर एटीट्यूड ऑफ मुगल्स का दिखाया जा रहा है कि वो लोग सेंट्स को दिखा रहे हैं। मुगल्स का और सेंट्स का कोई रिलेशन नहीं है, पर वो सेंट्स को दिखा रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि सेक्युलर एटीट्यूड ऑफ मुगल्स का सेक्युलर एटीट्यूड है। लास्ट पेंटिंग पर आते हैं, दैट इज मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्खो, जो कि इंपॉर्टेंट और बहुत ही लंबी पेंटिंग है, बट अच्छी पेंटिंग है, यू नो, सुंदर सी है, बहुत कलरफुल सी पेंटिंग है ये। सो अगेन इसके 7 points फर्स्ट, देन हम लिखेंगे कि ये जो पेंटिंग है इसमें मैग्निफिशेंट पेंटिंग, मतलब ये मास्टरपीस बना डाली भाई मुगल्स ने तो इस पेंटिंग को बना करके, क्योंकि भाई दारा सिक्खो की हो रही है शादी, ठीक है। ये वर्टिकल पेंटिंग है, इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि मैरिज दिखाई जा रही है किसकी, दारा सिक्खो की, जो कि एल्डर सन थे किसके, शाहजहां के, शाहजहां वही जिन्होंने आर्किटेक्चर का जिनको बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है। और आज का ताजमहल जो हम देख रहे हैं वो उन्हीं के टाइम पे बनाया गया है। दारा सिक्को को हम देख सकते हैं कि वो एक घुड़सवार पे बैठे हुए हैं, मतलब सॉरी, वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, घुड़सवार बने पड़े हैं, और वो उनका जो हॉर्स है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। और वो जस्ट उनके पीछे ये शाहजहां भी बैठे हुए हैं, जो कि अलग दूसरे हॉर्स पे बैठे हैं। उसके बाद इन दोनों को 3 attendants ने जो दारा सिक्खो है उनको 3 attendants से अटेंडेंट हैं वो, जिसमें कि एक के हाथ में बियरिंग कैंडल, एक के हाथ में कैंडल है, एक के हाथ में हॉर्स जिसने पकड़ रखा है, और एक के हाथ में फ्लाइंग विस्क है, ये 3 colors से, ठीक है। ओके, बहुत सारी लार्ज गैदरिंग है वहाँ पे मेन वुमेन की, बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है। ये कंटिन्यू है उसके बाद का, दारा सिक्खो है और ब्राइड के रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, जिसके गोल्डन गोल्डन बॉर्डर हैं, और ऊपर हॉराइजन के, मतलब हॉराइजन मतलब ऊपर का जो पार्ट होता है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेन है वुमेन है वो बराती बराती शराती, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे जब लास्ट अगर आपने वीडियो देखी हो डिटेल वाली, उसमें आप देख सकते हो कि वुमेन और मेन जो हैं वो बारात के द्वारा अकम्पनी किए गए हैं, और जो वो घोड़े गाड़ी पे बैठ के हैं सब ने घोड़े, यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे होगे इतने सारे घोड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाराती हैं सारे के सारे, पीछे एलिफेंट्स भी आए हुए हैं, तो ये बाराती हो गए, उनके सामने वाले शराती हो गए, ठीक है। सो अब देख सकते हैं जितने भी पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किए गए हैं। बैकग्राउंड में हम लोग फायरवर्क्स देख सकते हैं, शादियाँ होती हैं तो पटाखे तो जलते ही हैं, ये कैसे भूल सकते हैं, है ना, तब भी जलते थे आज भी जलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर्स क्या क्या यूज़ किए गए, भतेड़ों कलर्स यूज़ किए गए हैं, वाइट, रेड, ग्रीन, मॉव, गोल्डन, ब्राउन, टर्कोइज ब्लू विद अ टच ऑफ गॉर्जियस ब्लैक। तो आपको जो जो कलर्स दिख रहे हैं अच्छे से आप उसमें लिख सकते हो, एक दो एक्स्ट्रा हैवी नेम्स भी डाल देना, ठीक है। फिर मैरिज किसकी हो रही है, दारा सिक्खो की, जिसमें कि उस टाइम पे, आज के टाइम पे उसको कन्वर्ट किया जाए तो 32 lakhs rupees इन्वेस्ट किए गए थे। किससे हो रही है शादी अब दारा सिक्खो की, जहाँ एक सेकेंड, ओके, सो दारा सिक्खो की शादी हो रही है नदीरा बेगम से, जो कि 1633 में हुई। और तो और यहाँ पे मैरिज की बात हुई थी कि दारा सिक्खो पे 32 lakhs इन्वेस्ट किए गए, जहानारा बेगम पे, जो दारा सिक्खो की सिस्टर थी, उस पर 16 lakh इन्वेस्ट किए गए। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन वाला सिस्टम आ गया कि भाई उस पर इतने खर्च किए, मेरे पे इतने खर्च किए, ठीक है। और दारा सिक्खो की शादी किससे हुई, नदीरा बेगम से दारा सिक्खो की शादी हो गई। सो विद दिस आपका जितना था छोटा सा लाइक नोट्स टाइप का, तो मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, सो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप जाके टेलीग्राम से इसकी प्रॉपर PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बट ऑफकोर्स अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो।
ओके गाइस, सो हमारा मुगल स्कूल हो चुका है ख़त्म. नेक्स्ट हम कर रहे हैं डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से कि कहाँ पे, क्योंकि हमने नोटिस किया था लास्ट जब हमने मुगल स्कूल पढ़ा था तो उसमें औरंगज़ेब के टाइम पर तो सब ख़त्म हो जाना चाहिए था, तो फिर दोबारा से हम डेक्कन स्कूल क्यों पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है. और फिर जब वो ख़त्म हो गया था तो डेवलपमेंट हुई कैसे, राइट? फिर सब्जेक्ट मैटर की, अब हमने डेक्कन स्कूल पढ़ना ही है तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेन फीचर्स हैं इसके. इसमें खाली हमें दो पेंटिंग्स पढ़नी है जिसमें कि जो सेकेंड पेंटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ चांद बीबी प्लेइंग पोलो एंड द सेकेंड वन इज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में आते हैं तो ये जो डेक्कन स्कूल की पेंटिंग्स है ये फ्लरिश हुई थी 15th से 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में ही. ठीक है, हमने पढ़ा था 18th सेंचुरी में वो ख़त्म हुआ है, तो उसी के कुछ दौरान में स्टार्टिंग में हल्का हल्का डेवलप हो रही थी. उसके बाद ये जैसे ही मुगल के टाइम पे पेंटिंग ख़त्म हुई 19th सेंचुरी तक, तो ये बहुत ज़्यादा ही फ्लरिश हो गई थी. उसके बाद हमने देखा कि जितने भी आर्टिस्ट थे, क्योंकि औरंगज़ेब का टाइम वो एक फेनेटिक मुस्लिम थे, फेनेटिक मतलब कट्टर मुस्लिम थे, तो उन्होंने तो पेंटिंग करनी नहीं दी, तो जितने भी आर्टिस्ट थे वो सब के सब भाग गए भाई साउथ की तरफ. पहले ऊपर पेंटिंग चल रही थी राजस्थान पहाड़ी, वहाँ पे पेंटिंग्स चल रही थी ऊपर की साइड को. अब देखा कि वहाँ पे तो औरंगज़ेब का रूल आ गया, तो सारे सारे पेंटर्स आर्टिस्ट नीचे भाग गए साउथ की साइड को. कहाँ कहाँ पे पेंटिंग्स फिर डेवलप हुई, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, हैदराबाद, तंजौर, इन जगहों पे जो पेंटिंग्स थी वो डेवलप होना शुरू हुई. फिर हम देखते हैं कि हमारा जो डेक्कन पेंटिंग है ये 3 डिस्टिंक्टिव फेज में अलग अलग टाइम पीरियड पे ये डिवाइड किया गया है. तो जो पहली पेंटिंग, जब हम पहला जो फेज़ है उसको अगर हम नोटिस करते हैं तो वो रिलेटेड था सुल्तान आदिल शाह के कोर्ट से, जो कि बीजापुर में था उस टाइम. ठीक है, यहाँ पे जो रूलर चांद बीबी थे गोलकोंडा के, उनका भी बहुत ज़्यादा ही ग्रेट इंटरेस्ट था आर्टिस्ट जो आए थे उनमें और आर्ट में, वहाँ पे जो आर्ट इवॉल्व हो रहे थे वहाँ पे भी. जब आपने नोटिस किया कि ये सुल्तान आदिल शाह का ये कोट ऑफ बीजापुर ये है या बेसिकली, तो पेंटिंग्स हुई थी बीजापुर में 16th सेंचुरी के टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से. एक इंसाइक्लोपीडिया थी नज्म अल उल्म, तो उसको दिखाया गया था इस पेंटिंग जो सीरीज थी या पेंटिंग्स थी उसके अंदर. तो अर्ली फेज़ में बेसिकली इसकी बात की गई है. फिर हम मिडल फेज़ में आते हैं, उसमें क्या हुआ कि जो रूलर्स थे मुस्लिम के, जो रूलर्स थे जो कि डेक्कन स्टेट्स में थे, जैसे कि बीजापुर, गोलकोंडा, इन जगहों पे जो रूलर्स थे, इनका कहीं ना कहीं रूट था किस्सा कैसा ईरानियन और पर्शियन इन्फ्लुएंस था. क्योंकि हमने जब मुगल स्कूल पढ़ा तो उसमें हमने ये बात नोटिस की थी कि पर्शियन स्टाइल का बहुत ज़्यादा ही रोल था. तो वही यहाँ पे भी है कि मुस्लिम रूलर्स जो थे उन्होंने डेक्कन स्टेट्स में भी, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ही ईरानियन और पर्शियन इन्फ्लुएंस भी हम देख सकते हैं डेक्कन की पेंटिंग्स में. फिर हम आते हैं अर्ली 18th सेंचुरी में, जब औरंगज़ेब के वहाँ से उनको निकाल दिया गया था आर्टिस्ट को और ये भाग के यहाँ आ गए थे. तब हम देखते हैं कि हैदराबाद, वहाँ पे अलग ही टाइप का डेक्कन आर्ट इवॉल्व हुआ, जो कि कैसे इवॉल्व हुआ, अलग अलग किससे ब्लेंड करके, रोमांटिक फ्लेवर्स, अलग अलग एलिमेंट्स से, तब सब चीज़ों को ब्लेंड करके वहाँ पे आर्ट जो था वो बनाया गया और ही ज़्यादा रिफाइंड मुगल आर्ट उस टाइम पे दिखाया गया था, जैसे कि आप साइड में पेंटिंग्स में भी देख सकते हो. तो इसमें आप कहीं ना कहीं हल्की फुल्की झलक देख ही सकते हो क्योंकि मुगल से, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट थे वो वहाँ से डिस्पोज होकर के साउथ की साइड को आए थे. फिर हम इसमें देखते हैं सब्जेक्ट मैटर की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो जितनी भी पेंटिंग्स है वो इलस्ट्रेशन है रागमाला पेंटिंग्स की. जो जितनी भी पेंटिंग हम डेक्कन स्कूल में आगे पढ़ोगे भी, सबके सब इलस्ट्रेशन थी रागमाला पेंटिंग्स की. बहुत ही नेचुरल तरीके से बैकग्राउंड रियलिस्टिक तरीके से सिमेट्रिकल चीज़ें दिखाना, आप ये जो झूला देख रहे हो प्रॉपर सिमेट्रिकल चीज़ों से दिखाना है. जो साइड में आप उसके ऊपर ये महल टाइप का या घर टाइप का कह सकते हो वो देख रहे हो, वो सिमेट्रिकल चीज़ों में दिखाना इंपॉर्टेंट फीचर है ये. उसके बाद देखते हैं डेक्कनी आर्टिस्ट जो थे, ऑफकोर्स ये बात है वो मुगल से तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे होंगे क्योंकि वहाँ से भाग के अगेन नीचे आए थे, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मुगल्स का उस टाइम पे. और यहाँ पे मुगल्स में लेस ड्रॉन्स थीम्स थी, किसकी, रामायण महाभारत और कृष्ण लीला की, इनकी लेस ड्रॉन थीम्स थी. बाकी हमने जब पहाड़ी पढ़ा था, राजस्थानी पढ़ा, तो उसमें हमने कहीं ना कहीं देखी थी ये सारी चीज़ें. बट यहाँ पे डेक्कन में बिल्कुल उल्टा था, यहाँ पे रामायण महाभारत कृष्ण लीला की कम थीम्स थी. उसके बाद मेन फीचर्स पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो डेक्कन स्कूल की पेंटिंग्स हुआ करती थी
उसमें वार्मर कलर यूज़ किया गया था, मतलब वार्मर टोन के कलर, जैसे कि आप इस पेंटिंग में भी देख सकते हो. अलग अलग डेकोरेटिव एलिमेंट्स दिखाए गए थे, लोकल ट्रेडिशंस को ज़्यादा दिखाया गया था. साउथ इंडिया के जो ऑर्नामेंट्स थे, जो कि पर्शियन मुगल ईरानी स्टाइल का इन्फ्लुएंस आप इनकी पेंटिंग्स में देख सकते हो. पॉपुलरली डोना पे क्या की जाती थी, मेल्स को बनाया था टॉल, फेयर, कॉम्प्लेक्स, इमोशनली चार्ज. फीमेल फिगर्स को ऐसे सेंसेस लुकिंग दिखाया जाता था, और जितनी भी फिगर्स होती थी सबके लवली फेसेस होते थे, लार्ज ओपन ऐसे फिश लाइक आइज होती थी, बोल्ड फीचर्स होते थे, ब्रॉड फोरहेड, हाई नेक, स्लिम वेस्ट. सो ये सारी कुछ इसी पॉइंटर्स वाली चीज़ें हैं जो कि दिखाई जाती थी पेंटिंग्स के अंदर. और तो और इसके साथ साथ जो दिखाया जाता था वो था कि एलिमेंट्री कलर कॉस्ट्यूम्स में दिखाया जाता था ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी. हम ये बात इनफैक्ट कब से राजस्थानी से ही पढ़ते आ रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह दिखाना, ज्वेलरीज दिखाना, ये सब चीज़ें दिखाना, ये बहुत स्टार्टिंग से ही हर पेंटिंग्स के अंदर आप देख सकते हो कि ज्वेलरी का मेंशन, ब्यूटीफुल ड्रेसेस का मेंशन होना ज़रूरी ही ज़रूरी है. ब्लू कलर्स को याद रखना इस चीज़ को, कि ब्लू कलर्स को टिपिकली पर्शियन स्टाइल से जो लिया गया था उसको दिखाया गया है डेक्कन स्कूल की पेंटिंग्स में. उसके बाद काफ़ी हारमोनियस इफ़ेक्ट्स दिखाया गया है पेंटिंग्स में, और आर्टिस्ट ने क्या करने की कोशिश की है, यूरोपियन का नेचुरलिज्म, जो यूरोपियन से कुछ पेंटिंग्स, अब आप ये बात बोलोगे कि मैम ये कहाँ पहुँच गए हम, तो जब आप चैप्टर नंबर यूनिट 3 करोगे बेसिकली, तो उसमें आप देखोगे कि यूरोपियन नेचुरलिज्म ये कहाँ से तब आया था, उसमें का हम तो तब पढ़ेंगे आगे. तो यहाँ पे भी यूरोपियन नेचुरलिज्म को बहुत सारे 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट से चीज़ें दिखाना, जैसे कि अभी आप इस फोटो में देख सकते हो, ये 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट से दिखाने की कोशिश की गई है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है. तो ये चीज़ें दिखाना ये आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, इनिशिएट किया. ज्योमेट्री का मैंने आपको ये बताया कि ज्योमेट्रिकल फीचर्स दिखाना पेंटिंग्स के अंदर, और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था कि जो हाई होराइज़न था वो डेक्कनी हिल्स या फिर स्मॉल फोर्ट्स या फिर जो हाई होराइज़न, मतलब ऊपर का जो एरिया था वो फिल्ड अप ही रहता था. अब हमें डेक्कन पेंटिंग्स में कौन सी पेंटिंग्स पढ़नी है, 2 पेंटिंग्स पढ़नी है जिसके हमें आर्टिस्ट नहीं पता, अननो लिख के आना ज़रूरी है, खाली नहीं छोड़ा के, ठीक है, अननो लिखना ज़रूरी है. उसके बाद अगेन आपके साथ फीचर्स हैं आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, सब स्कूल, मीडियम, टेक्निक, स्कूल, कलेक्शन. फर्स्ट पेंटिंग है हमारी चांद बीबी प्लेइंग पोलो. इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट आप अगेन इसमें पहले 7 के स्टार्टिंग में फीचर्स दोगे, उसके बाद आप इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन शुरू करोगे, जिसमें हम देखते हैं कि चांद बीबी जो है वो खेल रही हैं पोलो अपने 3 कंपेनियंस के साथ. अब इसमें चांद बीबी कौन सी हैं, ये वाली, ठीक है, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे टॉप वाला कॉर्नर पे है वो है चांद बीबी. वो अपने 3 कंपेनियंस के साथ खेल रही हैं पोलो, जिसमें टोटल 4 फिगर्स जिन्होंने घाघरा चोली पहन रखा है, जो कि अलग अलग हॉर्सेस के कलर्स पे बैठे हुए हैं, दैट इज़ ब्राउन, येलो, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, येलो, वाइट, ब्लैक पे बैठे हुए हैं. और तो और हम बीच में देख सकते हैं इनको गाइड करने के लिए एक अनदर फिगर भी है, जो कि डायरेक्ट कर रहा है गेम को कि भाई गेम्स हमें ऐसे खेलने चाहिए. डेक्कनी पेंटिंग्स है, मैंने आपको अभी इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में बताया कि इसमें माउंटेन्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो हाई होराइज़न है वो होना ज़रूरी है. अभी आप आगे भी पढ़ो, नेचर पॉइंट्स में लिखा भी हुआ है ये हाई होराइज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन पेंटिंग्स के अंदर, ठीक है. फिर हम देखेंगे कि बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं जो डार्क ब्लू कलर से, अगेन ब्लू भी एक मेन फीचर था पेंटिंग्स का था. उसके बाद डार्क ब्लू फीचर है, डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया, और येलो कलर का मून दिखाया गया है. फोरग्राउंड में हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 वाटर बर्ड्स हैं, छोटी छोटी, ठीक है, 6 वाटर बर्ड्स दिखाई गई है. और आगे क्या दिखाया गया है, लेक दिखाई गई है, ठीक है. और फ्लावर्स कौन से कलर के हैं, रेड, ब्लू, वाइट एंड कलर से फ्लावर्स दिखाए गए हैं. नेक्स्ट हम आते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो पे. ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में से एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ठीक है. फिर हम इसमें स्टार्टिंग में इसके 7 पॉइंटर्स डालेंगे, कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, सब स्कूल, कलेक्शन, मीडियम, टेक्निक, ये सारी चीज़ें फिर डिस्क्रिप्शन पे आएंगे. अब इस पेंटिंग के अंदर हम देख सकते हैं कि डिस्कशन चल रहा है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उनके डिसाइपल जो ब्राउन कलर में बैठे हुए हैं आमिर खुसरो के बीच में, किसी एक रिलीजियस टॉपिक के ऊपर, ठीक है. फोरग्राउंड मतलब आगे की, हम लोग आगे की साइड से पता चलता है हमें कि ये दोनों कहाँ बैठे हैं, रूफ टॉप पे, मतलब छत पे बैठे हैं, जो कि एक कारपेट के द्वारा, ऑरेंज कलर के कारपेट से कवर्ड है. फिर हम देखेंगे आमिर खुसरो को, जिनके हाथ में ये वॉयलिन है, सारंगी मतलब ले रखा है इन्होंने एक्चुअली. तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, वो सारंगी, इंपॉर्टेंट है याद रखना. इन्होंने ब्राउन कलर का कुर्ता पहना हुआ है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है. उनके वेस्ट पे ऐसे तरबन है, जो ये
पट्टी सी पहन रखी है उन्होंने अपने कमर पे, तो टर्बन है और इनकी और क्या है ब्लैक बियर्ड है, ऐसी जो दाढ़ी है वो यंग है, इससे क्या पता चलता है कि वो यंग है, उनकी वाइट दाढ़ी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हमने हजरत निज़ामुद्दीन औलिया को देखा तो उन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है और उनकी लार्ज वाइट कलर की बियर्ड है, जिससे पता चलता है कि ओल्ड है एज़ कम्पेयर टू अमीर खुसरो से। ऊपर मैं हेडिंग चेंज करना भूल गई हूँ, सॉरी गाइस, दिस इज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। ठीक है, फिर हम देखेंगे एक हैलो बना हुआ है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पीछे, जिससे कि उनकी क्या डिवाइनिटी, मतलब वो गॉड लाइक चीज़ें दिखा रही हैं उनके हैलो बना हुआ उनके सर के पीछे। और उनके पास में ही एक रेड कलर की, ये रेडिश कलर की बुक रखी हुई है। इन दोनों के बीच में प्लेस कर रखा है एक लैम्प, और तो और ये गार्डन का फोरग्राउंड में हम देख सकते हैं कि आगे गार्डन आ रखा है, बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि रेड रोजेस खिल रखे हैं। बस इस पेंटिंग को अपने जहन में बसा लेना, ठीक है, तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट, मतलब बता पाओगे इस पेंटिंग को, कि पेड़ है पीछे, ये जो पेड़ आप देख सकते हो साइड में है ना, एक सिंगल सा ऐसे पेड़ है जिसके ऊपर फ्लावर्स हैं, कुछ फ्रूट्स भी, मैंगोज़ भी टंगे पड़े हैं राइट बैक हज़रत निज़ामुद्दीन के, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जस्ट पीछे। तो ये जो आपको पेंटिंग्स में दिख रही हैं, आप पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो को एक्सप्लेन करोगे कि क्या हो रहा है, इनके बीच में वार्तालाप हो रही हैं, बातें हो रही हैं रिलीजियस टॉपिक के ऊपर, फिर आप आओगे भाई दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करने पे। सबसे पहले बताओगे आप कि भाई जो ये आमिर खुसरो हैं, ये ब्राउन कलर के, उन्होंने ड्रेस पहन रखी है, सारंगी बजा रखी है, जो ड्रेस पहनी हुई उनमें बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, पेट पे से पट्टी है, दैट इज़ जो इन्होंने पेट पे टर्बन बांधा हुआ है अपने, उसके साथ सॉरी सर पे टर्बन बांधा हुआ है और पेट पे ये वेस्ट बैंड है, ठीक है, और वो यंग है क्योंकि उनकी बियर्ड है। फिर जो दूसरी साइड में हम देख सकते हैं ग्रीन कलर में, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, जो कि उनके सर पे ऐसे हैलो बना हुआ है, उन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है, उनके साइड में बुक रखी हुई है। तो ये इनके पॉइंट्स हो गए। फिर पीछे हम देखेंगे रोज़ का गार्डन है, आगे हम देखेंगे आगे भी गार्डन है, रूफ टॉप पे ऑरेंज कलर का कारपेट बिछा रखा है, पीछे एक पेड़ भी है। तो ये जो जो मुझे पेंटिंग्स में दिखा मैंने बस उसको देख करके इस पेंटिंग को एक्सप्लेन कर दिया, मुझे नंबर मिल गए। बेसिकली जो आपको याद करना है वो है इसके 7 पॉइंटर्स जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, सब स्कूल, मीडियम, कलेक्शन, टेक्निक, ये सारे इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके गाइस, सो ये है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ये उसके बारे में डिटेल तरीके से बताया हुआ है। सो विद दिस आपका ये वाला यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। अब आना है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको जो आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो पूछ सकते हैं, अभी भी टर्मिनल्स में आपके चल रहे हैं उसमें भी और आपके बोर्ड में भी, बिकॉज ये पूरी की पूरी जो हमारा एक ही साथ आने वाला है इस बार पूरा, तो उसमें इम्पॉर्टेंट होना है। ओके, तो अगर कुछ पूछना है, कुछ बताना है या कुछ भी क्वेरीज डाउट है, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, the press the bell icon as well, and I'll see you guys in the next one. Till then, take care and bye bye.